दोस्तों, जब से चंडीगढ़ की हरनाज कौर सिंधु मिस यूनिवर्स बनी है, तब से लोगों को मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जैसे कई कंपटीशन के बारे में जानने की उत्सुकता भी बढ़ी है। इसलिए मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम आज जानेंगे कि मिस वर्ल्ड कैसे बने और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस रोचक वीडियो को। हर साल मिस वर्ल्ड से लेकर मिस यूनिवर्स तक न जाने कितनी मॉडलिंग से संबंधित कंपटीशन होते रहते हैं। समय के साथ समाज की सोच भी बदली है और इस पेस को काफ़ी सम्मान से देखा जाता है, लेकिन समय के साथ साथ मॉडलिंग की दुनिया भी काफ़ी बदल चुकी है। अब न केवल स्किल्स की डिमांड होती है, बल्कि काफ़ी नेम और फेम भी मिलने लगा है। ऐसे में आजकल की मॉडलिंग भी एक बेहतरीन करियर ऑप्शन के तौर पर देखा जाता है। अगर आप भी मॉडलिंग की दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं तो कुछ बातें आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए। दरअसल मॉडलिंग के अपने अपने क्षेत्र होते हैं। सबसे आम और प्रचलित क्षेत्र है टेलीविज़न मॉडलिंग। इसमें कैमरे के सामने मॉडलिंग करनी होती है, खासकर विज्ञापन के लिए काम करना होता है। वहीं ठीक ऐसे ही प्रिंट मॉडलिंग में भी फ़ोटो शूट कराना होता है, जिसका इस्तेमाल न्यूज़पेपर से लेकर विज्ञापन तक के लिए किया जाता है। शोरूम मॉडलिंग भी होती है, जिसमें बड़े रिटेलर्स के लिए फैशन का प्रदर्शन करना होता है। वहीं रैंप मॉडलिंग में डिजाइनर्स के लिए फैशन प्रेजेंटेशन करना होता है। अक्सर आप टीवी पर फैशन वीक के दौरान रैंप वॉक जरूर देखते होंगे। आपको मॉडलिंग के लिए क्या योग्यताएं चाहिए ये भी जानते हैं। एक समय था जब मॉडलिंग के लिए शारीरिक बनावट को ही देखा जाता, रंग का भेद भी किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से ये विषय काफ़ी बदल गए हैं। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास और कैमरे का सामने करने की क्षमता है तो ये क्षेत्र आपके लिए ही है। प्लीजिंग और स्माइलिंग पर्सनैलिटी वाले लोगों को जल्दी मौका मिलता है। आजकल कई इंस्टीट्यूट हैं जो मॉडलिंग के लिए ट्रेनिंग भी देते हैं। किसी कॉलेज से ट्रेनिंग लेने से भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आप अपने मॉडलिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? मॉडलिंग के लिए कॉलेज या स्कूल से ही शुरुआत करनी चाहिए। मिस्टर फ्रेशर, मिस्टर कॉलेज में कई कंपटीशन शुरुआती कदम है। इसके बाद मिस इंडिया की तरह मिस बिहार, मिस यूपी जैसी प्रतियोगिताएं होती हैं, इसमें भाग लिया जा सकता है। इन कंपटीशन में जीतने वाले विजेताओं को ही मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड जैसी प्रतियोगिताओं के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा आप मॉडलिंग एजेंसी से भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए एक शानदार पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आपको किसी अच्छे फोटोग्राफर से संपर्क बनाना होगा। पोर्टफोलियो काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।